2021 शुरू होने वाला है और हर कोई ये प्लानिंग कर रहा होगा कि मेरी प्रोडक्ट में ऐसे कौन से बड़े चेंजेस करूं जिससे वो सक्सेसफुल हो जाए। पर प्रोडक्ट में सिर्फ बड़े बड़े चेंजेस करने से ही वो सक्सेसफुल नहीं होती, पर आपकी प्रोडक्ट में कौन से लूप होल्स है जो आपके कस्टमर को अनसेटिस्फाई कर रहे हैं। सिर्फ वो छोटे छोटे चेंजेस करके भी आप अपनी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बना सकते हो। सो मैं उज्ज्वल पटेल आज आपको ऐसी दो कंपनियों के बारे में बताने वाला हूँ जो अपनी प्रोडक्ट्स में छोटे छोटे चेंजेस करके हर घर तक पहुँच गई। सबसे पहली कंपनी है लिवाइज, जिसने सबसे पहला ब्लू जीन्स पैंट लॉन्च किया। 1870 में जैकब डेविस, जो डेनिम के कपड़े से रेलवे और कार की सीट्स की सिलाई करने का काम करते थे, उनकी दुकान में एक बार एक मिल वर्कर की वाइफ आई और उनको बोली कि मेरा हस्बैंड पूरे दिन मिल में बहुत सारा काम करता है और उस वजह से उनका पैंट घिस के बहुत जल्दी फट जाता है, तो मुझे एक ऐसा पैंट बना के दो जो मजबूत भी हो और जल्दी फटे भी नहीं। और अपने कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जैकब डेविस ने डेनिम के कपड़े से पैंट बनाया और वो खींच के फटे नहीं, उस वजह से उन्होंने कुछ जगह पे रिवेट लगा दिए और उसको अपने कस्टमर को दिया। धीरे धीरे बहुत सारे मिल वर्कर्स वो ब्लू जीन्स खरीदने के लिए आने लगे। बढ़ती मांग को देखकर जैकब डेविस ने अपने जीन्स को पेटेंट करवाने का सोचा, पर पैसे ना होने की वजह से वो जिससे कपड़ा खरीदते थे उनके पास गए, जिनका नाम था लेविस ट्राउस, जो लेविस ट्राउस एंड को नाम से कंपनी भी चला रहे थे। उनके पास जाकर जैकब डेविस ने बोला कि मैंने एक स्ट्रॉन्ग ब्लू जीन्स का इन्वेंट किया है, अगर आप इसको पेटेंट करवा दो तो हम साथ में मिलकर एक बहुत अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं। और उसके बाद लिवाइज ने 1873 में सबसे पहला ब्लू जीन्स लॉन्च किया, जो लोगों ने इतना पसंद किया कि आज वो हर घर तक पहुंच गया है। दूसरी कंपनी है हल्दीराम। गंगा भीषण अग्रवाल, जिनको प्यार से लोग हल्दीराम भी बुलाते हैं, उनके पिता बीकानेर में एक लारी में भुजिया बेचा करते थे। वो भुजिया मोटे और उनके आसपास वाले जो भुजिया बेचते थे वैसे ही थे। हल्दीराम भी उनके पिताजी के साथ उनकी मदद करने जाया करते थे, तो एक दिन उन्होंने भुजिया में छोटे चेंजेस किए, जैसे कि भुजिया में मोठ की दाल की क्वांटिटी बढ़ा दी और उसको थीन, क्रिस्पी और क्रंची बना दिया, और वो भुजिया धीरे धीरे लोगों को बहुत पसंद आने लगा और लोग सभी दुकानों को छोड़ के उनकी लारी में आने लगे। पर कुछ ही समय बाद फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हल्दीराम को कुछ कपड़े और अपनी बीवी के साथ घर छोड़ के जाना पड़ा, पर रास्ते में उनको उनका एक दोस्त मिला। उसको जब हल्दीराम के बारे में पता चला तब उसने हल्दीराम को मदद करने के लिए उनको 100 रुपये दिए। 100 रुपये उस वक्त ज़्यादा हुआ करते थे और उसी वजह से हल्दीराम ने उससे रेंट पे एक घर लिया और उसके बाद अपनी बीवी के हाथ से बनी हुई मूंग दाल घर घर जाकर बेचने लगे। कुछ समय बाद इतने पैसे इकट्ठे हो गए थे कि जिससे वो दुकान खोल पाए और उसी वजह से 1946 में हल्दीराम ने अपनी पहली दुकान बीकानेर में हल्दीराम्स भुजिया के नाम से ओपन की। उसमें वो मूंग दाल और भुजिया दोनों बेचा करते थे और धीरे धीरे उनके भुजिया लोगों को बहुत पसंद आने लगे और अपने बिजनेस और प्रोडक्ट को एक्सपेंड करते करते हल्दीराम्स की वैल्यू आज 21,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। सो लिवाइस, जिसने पैंट खींच के फटे नहीं उस वजह से पैंट में रिवेट लगाए जिसे पैंट फटने बंद हो गए, और हल्दीराम्स जिसने गुजिया में छोटे छोटे चेंजेस करके उसको थिन, क्रिस्पी और क्रंची बनाया। ऐसे छोटे छोटे चेंजेस जो आप अपनी प्रोडक्ट में भी कर सकते हो और उसको सक्सेसफुल बना सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और हमारी चैनल करो स्टार्टअप को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर लेना, जिससे अगले जितने भी वीडियोज आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।